हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले स्पेशल करंट अफेयर जो कि रहेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक और अदर एग्ज़ाम जो भी आपके पीसीएस स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए रहेगा। फ्रेंड देखिए, ये पाँचवें नंबर की वीडियो है और ऑलरेडी मैंने ये छठवें नंबर की वीडियो है, पांच वीडियो डाल दी हैं। आपको स्पेशल करंट अफेयर करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑनलाइन फ्री स्टडी पर, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं। फ्रेंड्स देखिए, 1000 एमसीक्यूज जो है मैं लेके आने वाला हूँ। वीडियो आएगी आपको 3:30 पर आएगी, लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे की वीडियो रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड, ये वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट है, वो 1000 वाली वीडियो भी और ये वाली भी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। आपसे पूछा गया है, किसको पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पंजाब राज्य जलीय पशु के रूप में 2 फरवरी 2019 को घोषित किया गया। क्या किया गया भैया? जलीय पशु, राज्य जलीय पशु घोषित किया गया। कहाँ का? पंजाब का किया गया। आपको आंसर देना है फ्रेंड, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर रहेगा सिंधु नदी, यहाँ पर रहेगा देखिए सिंधु नदी डॉल्फिन, क्या रहेगा? सिंधु नदी डॉल्फिन को ये घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय रेल और संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने 2 फरवरी 2019 को कुंभ मेले पर जो आए डाक विभाग का विशेष जो है एक विशेष डाक टिकट जारी किया है, जिसकी कीमत कितनी रुपए है? चलिए आंसर दीजिएगा, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए या 5 रुपए है। तो यह है 5 रुपए, ऑप्शन नंबर जो रहेगा 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो देखिए, ये केंद्र मंत्री यानी कि केंद्र मंत्री और संचार राज्य मंत्री थे जो हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने 2 फरवरी को कुंभ मेले में भारतीय डाक विभाग का एक विशेष डाक टिकट जारी किया है, ओके, जो कि प्रथम दिवस कवर भी जारी किया है। इसका भी विशेष जो प्रथम दिवस कवर भी जारी किया, जो कि इसकी लागत जो रुपए है वो 5 रुपए है। अगला देखेंगे फ्रेंड, 2 फरवरी 2019 को 2 वर्षों के निश्चित कार्यकाल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऋषि के शुक्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे यूरोपीय संसद द्वारा वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में 1 फरवरी 2019 को नियुक्त किया गया है। चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड, कमेंट करेंगे, देखने कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा जुआन गुआदो, जुआन गुआदो। चलो अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 फरवरी 2019 को किस राज्य में 294 किलोमीटर लंबे अंडाल सेंथिया पुकार मालगदा और खाना सेंथिया वर्गों के रेलवे विद्युतीकरण का उद्घाटन किया है? यह कहां पर किया है? चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, अगर आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये रहेगा पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 31 जनवरी 2019 को आयत आईसीटी एकेडमी ब्रिज 2019 के 27वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ, जिसकी थीम थी फॉस्टरिंग इंडिया फॉर इंडस्ट्री 4.0 पर आधारित थी? चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड, क्या रहेगा आंसर दीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बारे में देखिए सारी चीज़ें लिखी हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 29 और 30 जनवरी जो है को जेल डिज़ाइन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? जेल डिज़ाइन पर पहला सम्मेलन कहाँ पर यह किया गया? विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत के सर्वोच्च थिंक टैंक के रूप में स्थान दिया गया है, जिसे वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2018 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट मैं 118वीं रैंक मिली है? चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर रहेगा ओआरएफ यानी कि ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी है इसके, और देखिए ओआरएफ को जो है दिया गया है सर्वोच्च रैंक टैंक के रूप में चिन्हित किया गया है। ओआरएफ भारत के सर्वोच्च स्थान पर है और विश्व स्तर पर 118वें नंबर पर है। ओआरएफ को बेस्ट न्यू आइडिया या थिंक टैंक द्वारा विकसित प्रतिमान या श्रेणी के शीर्ष थिंक टैंक के रूप में स्थान दिया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। 31 जनवरी 2019 की ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रो रेसलिंग लीग यानी कि PWL के चौथे संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? पंजाब रॉयल्स, हरियाणा हैमर, यूपी दंगल या वीर मराठा? तो यहाँ पर आंसर आएगा हरियाणा हैमर्स। किसने जीता? हरियाणा हैमर्स ने जीता है। चलिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूरी चीज़ें लिखी ही आपको उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में इंडोर स्टेडियम हरियाणा हैमर्स जो है ना जो है चैंपियन पंजाब रॉयल्स को 3-6-3 से हराया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड। ये रहा 3 फरवरी 2019 को ICC ODI महिला बैट्समैन रैंकिंग में प्रथम स्थान पाने वाली भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है। मिताली राज, स्मृति मंदाना, हरमप्रीत कौर या झूलन कुस्वामी? तो यहाँ पर रहेगा स्मृति मंदाना। चलेंगे फ्रेंड अगला क्वेश्चन। 3 फरवरी 2019 को कौन सा T20 खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? भारतीय महिला कौन बनी है आपको बताना। भारतीय महिला नहीं बताना है, एशिया की महिला होना। पहली एशिया महिला क्रिकेटर बनी है, इन्होंने 100 T20 खेली हैं। तो ये बनी है सना मीर, ये है पाकिस्तान की रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की महिला टीम की पूर्व कप्तान सनी मीर जो है 100 T20 खेलने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने यह उपलब्धि जो है अंतिम T20 जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हासिल किया है जो कि कराची में खेला गया। सना मीर जो है 100 T20 के पूरा करने वाले दुनिया की छठी महिला, और जबकि वेस्ट इंडीज़ की ड्राइंडा डॉटिन है वो 110 टी ट्वेंटी के साथ सूची में प्रथम स्थान पर हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन। 1 फरवरी 2019 को युवा कलाकारों को पारंपरिक कला के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 6 दिन तक चलने वाला सोपान 2019 संगीत और नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह कहाँ हुआ है आपको बताना है। तो यह हुआ नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 624 मेगावाट की किरु हाइड्रोलिक परियोजना और 850 मेगावाट की रतले हाइड्रोलॉक्टिक परियोजना का आधारशिला कहां पर रखी है? चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो यह रहेगा किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर में यह योजना बनेगी, हाइड्रोलिक परियोजना रहेगी। ओके, चलिए फ्रेंड, ये देखिए चिनाब नदी पर जो है ये परियोजना बनाई जाएगी। ठीक है, सालाना 2272 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2019 को भारत के सबसे बड़े बहुसांस्कृतिक स्ट्रीट त्यौहार जिसको कहते हैं काला घोड़ा त्यौहार, ठीक है, KGF के 20 वर्ष कला और संस्कृति मनाने के लिए कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी, देहरादून, गंगटोक या मुंबई में? तो यह किया गया मुंबई में। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने 4 फरवरी 2019 को कृषक सहायता आजीविका और आय संवर्धन यानी कलिका की बात कर रहे हैं, आय संवर्धन कलिका योजना के तहत किसानों के बच्चों के लिए कलिका छात्रवृत्ति योजना नाम से एक छात्रवृत्ति योजना शुरू करी? तो ये कहाँ करी है, किस राज्य ने करी है? तो यह करी है कलिका योजना, वह करी है उड़ीसा राज्य ने। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 फरवरी 2019 को 12वीं क्षेत्रीय मानक कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2019 को शुरू किए गए ऑपरेशन स्माइल, क्या नाम है? ऑपरेशन स्माइल के तहत 11 लड़कियां सहित 325 बच्चों को बचाया गया। तो फ्रेंड, ये किस चीज़ से बचाया गया ऑपरेशन स्माइल? ये जो है भीख मांगने वाले बच्चे हैं या फिर जो बच्चों को लोग बाग किडनैप कर लेते हैं, उनसे काम कराते हैं, उन लोगों को जो है उन लोगों को इस योजना को या इससे बचाने की इस चीज़ को ऑपरेशन स्माइल कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर जो है यह किया गया हैदराबाद ने। कहाँ पर, किसने किया? ये हैदराबाद ने किया। तो हैदराबाद ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 11 लड़की और 325 बच्चों को बचाया, जिसे 1 जनवरी 2019 को लॉन्च किया गया। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रमिकी और भीख मांगने वाले बच्चों को छुड़ाना है।
ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन। 4 फरवरी 2019 को गोवा के पणजी में किस कंपनी ने इनोवेशन इन डेटा साइंस के तहत एजिस ग्राहम बेल अवार्ड, एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2019 को प्राप्त किया? तो यह किया है प्राप्त यूरी फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम ने। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 फरवरी को कॉरपोरेशन बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है? तो यह किया है किसने किया है पीवी भारती ने, किसने किया पीवी भारती ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 फरवरी 2019 को अल सोल्वडोर के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? अल सोल्वडोर के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? फ्रेंड देखिए जो भी चीज़ें बच रही हैं ऐसे कि अल सोल्वडोर की राजधानी क्या है, इसकी करेंसी क्या है, ये बाकी सारी चीज़ स्टैटिक में आ जाती हैं, तो इसको हमने लास्ट में जो है आपको वीडियो पूरी देखनी है, लास्ट में जो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी वो भी एक तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो ये रहेगा ऑप्शन आपके लिए नायब बुकेल, नायब बुकेल। अगला क्वेश्चन ओके। तो एक जून 2019 से राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। 31 जनवरी 2019 को हवल स्पेस टेलीस्कोप को उपयोग करके किसने इटली ब्रिटेन जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के खगोलीय विद्वानों द्वारा खोजी गई नई बोगी गोलाकार आकाशगंगा का नाम क्या है? नई आकाशगंगा का नाम क्या है? 31 जनवरी 2019 को हवल स्पेस टेलीस्कोप से इसका प्रयोग करके इसे खोजा गया, तो इसका नाम बताइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है वेदिन वन, क्या रहेगा? वेदिन वन यहाँ पर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। किस भारतीय स्क्वेवेस खिलाड़ी ने 3 फरवरी 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिस्टम क्या समझ रहा है आज में सीएटल क्या सीएटल ओपन खिताब जीता है? सीएटल ओपन खिताब जीता, तो ये जीता है रमित टंडन ने, किस जीता है? रमित टंडन ने जीता। चलिए अगला क्वेश्चन। 4 फरवरी 2019 को विश्व कैंसर दिवस 2019 का विषय क्या था? कैंसर दिवस का इस बार का जो है विषय क्या था आपको बताना है फ्रेंड। चलिए आंसर दीजिएगा क्या था इसका आंसर रहेगा आई एम एंड आई विल, क्या रहेगा? आई एम एंड आई विल, यानी कि ऑप्शन वन करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 8 मार्च से लेकर 8 फरवरी 2019 तक 67वां वर्षीय सशस्त्र बल चिकित्सा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? यह किया गया पुणे में। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 फरवरी 2019 को आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एन नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM के मिशन स्टीयरिंग ग्रुप की छठवीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो छठवीं बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंट कॉन्सियसेंसन इसको स्कॉन भी कहते हैं ने 45 देशों में एक विश्व विरासत केंद्र जो आवास है आध्यात्मिक शिविर कहते हैं से स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसमें से एक को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? एक को हमारे भारत में स्थापित किया जाएगा, तो उसका नाम बताना है। तो यह किया जाएगा मायापुर पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एन चंद्रबाबू नायडू ने जो फरवरी की बात कर रहे हैं ने 3 फरवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के लिए अंतरिम उच्च न्यायालय के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले न्यायिक परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यह किया है अमरावती में। कहाँ पर किया है? अमरावती, ऑप्शन वन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार के पूर्व सचिव का क्या सचिव कौन है? सचिव बतानी है जिन्हें 4 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय 2018 के लिए वीरमणि पुरस्कार सम्मानित किया गया। वीरमणि पुरस्कार मिला था इन्हें 2018 में, तो इनका नाम बताना है। तो इनका नाम है PS कृष्णन। क्या नाम है? PS कृष्णन। अगला क्वेश्चन। 4 फरवरी 2019 को काठमांडू में नेपाल के भारत के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रहेगा नीलांबर आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन। बंगला नंबर 5 जो है वो नई दिल्ली में है। इसकी बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप जिसे 4 फरवरी 2019 को आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री
हरदीप एस पुरी द्वारा लॉन्च किया गया है। वो उसका जो बंगला है वो बंगले का नाम बताना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड आंसर देना है, मतलब ये जो है उसका आंसर दीजिएगा क्या रहेगा, ये रहेगा मुशा मशो का फाइव। अगला क्वेश्चन, हिंदू कुश हिमालय के आकलन रिपोर्ट के अनुसार अगर वैश्विक उत्सर्जन कम नहीं होता है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होती है तो हिमालय ग्लेशियर का दो तिहाई दुनिया का जो तीसरा ध्रुव जो है वो कितनी साल में पिघल जाएगा, तो ये पिघल जाएगा 2100 तक, ठीक है। 2100 तक ये पिघल जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है। अगला क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत कब किया गया, तो ये कब किया गया सुरक्षा सड़क जीवन रक्षा, यह कब किया गया आंसर देना है, तो ये सप्ताह किया गया 4 फरवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए फ्रेंड स्टैटिक जीके कुछ जो हमारे पास निकल के आता है वो देखते हैं। सरफराज अहमद किस खेल से संबंधित हैं, तो सरफराज अहमद कौन है भाई, सरफराज अहमद क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान की जो है पिछले टूर्नामेंट जो हुआ था इसमें कप्तान रहे थे, ठीक है, इसके चलिए जो कि 30 मई 2019 से शुरू हुआ विश्व कप का टूर्नामेंट और इसमें न्यूजीलैंड ने जो इसे जीता, ठीक है, सॉरी इंग्लैंड ने इसे जीता और न्यूजीलैंड जो है इसमें फ्रेंड जो है मेजबान मतलब उप विजेता रहा, ठीक है। अगला देखेंगे, इसराइल की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो इसराइल की राजधानी है यरूशलम और मुद्रा है इसराइली शेकेल। अगला देखेंगे, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक कौन हैं, तो इसके निदेशक हैं बिपिन पुरी। अगला क्वेश्चन, नेपाल के राष्ट्रपति कौन हैं, तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं विंध्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन, डल झील किस राज्य में है, डल झील ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, चिनाब नदी यहाँ पर मैंने बताई थी इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है, तो यह है जम्मू एंड कश्मीर पर, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित डल झील है। मैं देखिए यहाँ पर लगभग 10 झीलें ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये खबरों में क्योंकि ये कि नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2019 को यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर अपनी जो दिन भर की यात्रा के दौरान श्रीनगर की डल झील का दौरा भी किया था, इसलिए उस टाइम न्यूज़ में थी। नवजोत कौर किस खेल से संबंधित है, तो नवजोत कौर जो है हॉकी संबंधित है, किससे हैं, हॉकी से। नवजोत कौर एक भारतीय महिला हॉकी टीम मिडफील्डर हैं, वह हाल ही में खबरों में थी क्योंकि उन्होंने 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का माइलस्टोन पूरा किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल सॉल्वाडोर की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो इसकी राजधानी है सैन सॉल्वाडोर और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अगला देखेंगे, न्यूजीलैंड की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी सभी को पता है वेलिंगटन और यहाँ पर डॉलर चलता है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला, मुकुर्ति राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मुकुर्ति राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। ओके चलिए फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने देखे कम से कम 40 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे, करंट अफेयर आज हमने पढ़े हैं। 6 तारीख लगभग कंप्लीट हो गई है, कल से 7 तारीख करेंगे, मतलब 7 तारीख 8 और 9 करेंगे, ठीक है। ओके ये कम से कम 3 से 4 दिन का हम लगभग लेके चल रहे हैं करंट अफेयर, जो कि फ्रेंड अच्छे से हमें पढ़ने के लिए मिल जाएगा अगर मैं यहाँ पर जो है पॉइंट टू पॉइंट भी पढ़ा दूँ। लेकिन फ्रेंड अगर आप ये कहते हैं कि वन लाइनर में ही पढ़ाइए तो वन लाइनर में रहेगा, अगर आप कहते हैं एमसीक्यूज से पढ़ाइए तो एमसीक्यूज रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड अगर किस क्या राय है आपकी इस वीडियो पर, अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अगर फ्रेंड्स लाइक अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सजेशन दीजिएगा और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसके बाद वीडियो आएगी आपको 3:30 बजे जो कि 1000 क्वेश्चन है एक साथ लाइव रहेगी वीडियो। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट हो आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।